हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है संडे और आज हम जा रहे हैं बाहर घूमने, और घूमने की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे मंदिर से। तो आइए हमारे साथ, आपको भी ले चलते हैं मंदिर। अभी हम पहुंच चुके हैं। और ये हम आ चुके हैं मार्कंडेय महादेव जी के मंदिर। बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ आज मैं पहली बार आई हूँ और अभी तक तो अच्छा लगा, बट अंदर जाके देखते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज बता दूँ, आप देख रहे हो ना, इनके हाथ में कुल्हड़ में पानी है, उसके अंदर बेलपत्र है और फूल्स हैं। मतलब वो देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे ऐसे ही पूजा होता है, आप लोग देखे हो कि बहुत जगह लोग वो छोटे वाली टोकरी में सारे कुछ सजा के देते हैं, यहाँ पे ये इसमें देते हैं, कुल्हड़ में देते हैं और एक पोटली में सब कुछ पूजा के सामान बांध कर देते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है अभी तक मुझे लगा। आइए चलते हैं अंदर। और जैसे ही हम अंदर आए, काफ़ी भीड़ थी। फ़ोन ले जाना अलाउड तो था, बट इतनी भीड़ में फ़ोन से रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, तो हमने वो नहीं किया। और यहाँ पे मैं लगवा रही हूँ चंदन, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है चंदन लगवाना, लगवा कर पूजा करना। तो और ये हमारी लग चुकी है चंदन, और अब हम चलेंगे लाइन पे और पूजा करेंगे। तो यहाँ पे हो चुकी है मेरी पूजा। पूजा करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा था अंदर, बहुत ही खूबसूरत, मन बिल्कुल शांत हो गया। और इस मंदिर के बगल में आसपास छोटे छोटे भी मंदिर थे जहाँ पे बहुत सारे भगवान जी थे, वहाँ पे भी जाकर मैंने पूजा किया और हमारी पूजा बहुत अच्छे से हो गई। तो अब हम चलते हैं बाहर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर एक मंदिर के बाहर छोटे छोटे स्टॉल्स लगे होते हैं जहाँ पे पूजा की सामान मिलती है और श्रृंगार के सामान मिलते हैं, तो मैंने भी अपने लिए कुछ लिया और दोनों मम्मियों के लिए भी लिया। तो और अब हम चलते हैं यहाँ से। हमारी पूजा हो गई बिल्कुल अच्छे से। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं? ये इसको कहते हैं हम लोग संगम। संगम क्या है? मार्कंडेय महादेव मंदिर के पास जो संगम है, यहाँ हम लोग देखने को जा रहे हैं आखिर है क्या वो संगम। अर्थात जो शब्द बता रहा है, इस मुदनियों का मिलन होना चाहिए। अब ये तो देखने के बाद ही मालूम चलेगा क्या है। इन्होंने भी नहीं गया है और मैं भी नहीं गई हूँ, जाकर देखते हैं आखिर ये संगम है क्या, ये चीज है क्या। आखिर जो लोग कह रहे हैं संगम संगम, ये संगम देखा जाए है क्या, है कि नहीं। तो चलिए ठीक है, पहुँचते हैं फिर देख कर, फिर आप लोगों को बताते और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तब तक के लिए सी यू। और यहाँ आने के बाद पता चला कि ये संगम नदी है, दो नदियों का मिलन होगा, इसी के लिए यहाँ का नाम संगम रखा गया। बट बहुत खूबसूरत जगह था, बट बहुत धूप थी, बहुत 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 ज़्यादा। और ये गंगा नदी है तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो घर से तो नहा कर आए ही हैं, बट यहाँ आए हैं गंगा नदी के पास तो हम लोग थोड़ा थोड़ा शुद्ध हो ले, है ना। तो इसलिए हम एक एक करके खुद को शुद्ध कर रहे हैं और फिर चलते हैं। कैसा लगा संगम? एक नंबर। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं? सारनाथ टेंपल बनारस जा रहे हैं।
अगर आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम आपको पार्ट 2 में देंगे। तब तक के लिए सी यू एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।